सर, ये आपकी गुजरात की जो विजिट है अभी आने वाले विधानसभा के लिए, आपने देखा आप गुजरात पूरा घूम रहे हैं, तो क्या ये विधानसभा में फिर से कांग्रेस दोबारा आएगी गुजरात? अगर आप देखेंगे तो पिछले 20-22 सालों से गुजरात में कांग्रेस विपक्ष में है। 2012 को ही कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती थी, ऐसा माहौल था। करीब 35 से ज़्यादा सीटों पर हम 4-5 हज़ार से कम वोटों से हारे हैं, और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो हर वक्त लगभग वही सेम रहा है। यानी कांग्रेस एक पूरी ताकत से कांग्रेस एक अच्छा विकल्प के रूप में गुजरात में हर वक्त थी। और अगर हम देखेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव भी हुए, वहाँ पर जो पहले सरकार थी उसके खिलाफ ही लोगों ने ट्रेंड दिया है, लोगों ने वोट दिया है। और जिस प्रकार से पिछले 2007 को 2012 को भाजपा ने जो जो वादे किए थे उसमें से कोई भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। खेडूतों के बारे में जो इनके वादे थे, उन्होंने कहा था कि किसान जो अनाज तैयार करेगा उसको ये भाव देंगे, कोई भाव दे नहीं पाए। खेडूत जिस प्रकार से बीमा की समस्या से परेशान है, अगर अपने अमरेली और इस एरिया की बात करें तो नीलगाय के वजह से जो तकलीफ खेडूतों को हो रही है उस बारे में कोई सॉल्यूशन सरकार द्वारा निकल नहीं रहा। जिस प्रकार से खेडूतों को मदद करने की बात थी, कोई मदद राज्य सरकार द्वारा नहीं हो रही है। अगर युवाओं की आप बात करेंगे तो युवाओं को रोजगार के कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो रोजगार थे वो रोजगार भी घट गए। आज पूरी तरह से महिला परेशान है यहाँ पर। यहाँ तक भी अगर देखेंगे कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, आज किसान परेशान है। जवान को भी जिस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, पाकिस्तान हो या जिस प्रकार से चीन इस देश के ऊपर हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फेल्योर है। और इसीलिए जो वादे 2007 और 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने किए उसमें से एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। अगर कुछ ये कर पाए है तो नए नए वादे कर रहे हैं और पुराने वादे भूल जाओ, ये इनका एजेंडा है। और उसी दिशा में अगर आप देखेंगे तो अमरेली में आज बड़ा सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज है, नेता पूरी तरह से एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और जो माहौल बनते जा रहा है, हर बूथ जीतवाना, और सिर्फ जीतवाना नहीं तो 150 सीटों पर भाजपा का डिपॉजिट जाए, ये एजेंडा लेकर हम चले हैं। आने वाले समय में सरकार के खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे ही। जिस प्रकार से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 जगह पर जीती है, मुझे लगता है 8-10 जगह, 15 जगह से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं गुजरात में। और वही एजेंडा लेकर आदरणीय राहुल जी की नेतृत्व में, मार्गदर्शन में अशोक गहलोत जी और हम सभी नेता यहाँ पर काम को लगे हैं। सर, आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की अभी, आपने के जहाँ जो सरकार थी उसकी अगेंस्ट में वोटिंग हुआ, तो क्या यूपी में आपने जो सरकार थी उसके साथ वो पार्टी के साथ गठबंधन करना आपको भारी पड़ा? देखिए, यूपी में हम सरकार में ही नहीं थे, इसलिए वो जो जनादेश था वो अखिलेश यादव जी के खिलाफ वाला जनादेश था, पहली बात। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, आपका जो बदला हुआ मुख्यमंत्री वो भी डिलीवर कर नहीं पा रहा है। आज खेडूत, महिला, युवा, ये सभी गुजरात में परेशान हैं। और ये सिर्फ अमरेली की बात नहीं है, मैं जिस जिस जिलों में गया हूँ, जामनगर गया हूँ, राजकोट गया हूँ, द्वारिका, देवभूमि द्वारिका में, ये सभी जगह पर यही बात हो रही है। और इससे जो दिख रहा है तो गुजरात में हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीतेंगे, और आने वाले समय में इस देश में कांग्रेस सरकार लाने की दिशा में की ये शुरुआत होगी। सर, लोकतंत्र में अगर हमको जनादेश चाहिए तो जनता को साथ लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह फेल्योर है, बट जनता क्यों नहीं बोल रही है आपके साथ, जनता क्यों नहीं जुड़ रही? जनता तो जरूर बोलेगी। आप जब ये चुनाव होंगे उस चुनाव के नतीजों के बाद देखेंगे कि जनता साइलेंटली बात करेगी, और वो जो बैलेट है वो बैलेट से जनता बात करेगी। तो क्या है 2017 में गुजराती में अगर बोलूँ बोल रहे हैं कांग्रेस आवे छे? कांग्रेस 2017 में भी आवे छे, और कांग्रेस देश में 2019 में भी आवे छे। सर, एक खुलासा कर दीजिए, जो अफवाहें हैं शंकर सिंह वाघेला जी को लेके, क्या कहेंगे उसके बारे में? शंकर सिंह बापू जी से मेरी खुद बात हुई है,
अशोक गहलोत जी की बात हुई है और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो आने वाले 2017 की जो चुनाव है ये चुनाव में कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की जीत हो, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने। और मेरी खुद शंकर सिंह बापू जी से बात हुई है, अशोक गहलोत जी की बात हुई है और जो हम सब की बात हुई है उसके अनुसार 2017 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आए, इस दिशा में सभी नेता लगे हैं। खुद बापू ने भी यही कहा है कि वो सरकार लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आए, पूरी बहुमत से वो सरकार आए, मुख्यमंत्री कौन बनाना है, कैसे बनाना है, ये बात सरकार आने के बाद तय होगी। यही बापूजी से मेरी भी बात हुई और सभी नेताओं की बात हुई।